साथियों, अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों की खिदमत करने का यकीन एक मौका दिया और इस खिदमत को आपकी दुआओं की यकीन बहुत 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 ज़रूरत है। साथियों, मैं देश जनित पार्टी के माध्यम से नांदेड़ उत्तर के लिए उम्मीदवारी है कि नहीं, मैं उम्मीदवारी के लिए खड़े वाला हूं। साथियों, ख़ास तौर से नांदेड़ में आप लोगों ने कि नहीं पिछले चंद सालों में देखे वाला है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति है कि नहीं एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप के ऊपर पिछले 5 सालों से कि नहीं चल रही है। साथियों, जिन लोगों को आप लोगों ने कि नहीं चुन के दिया वो आमदार खासदार हो तो बन जाते, मगर है कि नहीं बन के आने के बाद गरीब जो जनता है उनके बारे में उनको एक नहीं विसार हो जाता और वो गरीब जनता के एक नहीं जो मूलभूत सुविधा है, उनके बच्चों की पढ़ाई है, उनके घर में कोई अगर बीमार होगा तो उनके एक नहीं दवाखाने हॉस्पिटल का जो प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों को उन वो लोग भूल जाते। और ख़ास तौर से एक नहीं आमदार खासदार बनने के बाद आप लोगों ने पूरे नांदेड़ की जनता ने देखा कि उनके गाड़ियों के गिलास भी नीचे नहीं होते। तो साथियों, मैं एक आम आदमी नांदेड़ में एक नहीं एक एजुकेटेड एडवोकेट हूँ और नांदेड़ में कई सालों से कि नहीं मैं राजनीति में भी हूँ और मैं राजनीति से विविध तरीके से मैंने लोगों की समाज सेवा करे वाला हूँ और ज़मीन से जुड़े वाला है कि नहीं मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। साथियों, अल्लाह ताला ने मुझे कि नहीं आप लोगों की खिदमत करने का कि नहीं मौका दिए वाला है। और साथियों, आप लोगों ने कि नहीं पिछले चंद दिनों में देखा कि अलग अलग पार्टियों ने कि नहीं अपने अलग अलग कि नहीं वादे कर रहे, तो आज की डेट में आप लोग ये देख रहे कि कौन अधिकृत है और कौन अधिकृत नहीं है, इसके ऊपर है कि नहीं पूरा है कि नहीं इलेक्शन लड़ा जा रहा। उत्तर में देखा जाए तो एक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और एक है कि नहीं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनके कि नहीं एक उम्मीदवार है। तो आप लोग ये देख रहे कि ये दोनों भी एक नहीं उम्मीदवार क्या कर रहे हैं मालूम क्या, एक दूसरे के ऊपर मैं अधिकृत हूँ और मैं अधिकृत हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अधिकृत का मीनिंग क्या है, अधिकृत यानी कि कौन कायदेशीर है और कौन लीगल है, कौन इलीगल है। तो आज ये पूरे दोनों के जो इलेक्शन चल रहे एक दूसरे के ऊपर मैं अधिकृत हूँ बोल रहे, तो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये अधिकृत और लीगल और इलीगल इन बातों में एक ही बीच में ना पड़े और लोगों ने सीधा सीधा देश जनित पार्टी के जो उम्मीदवार है एडवोकेट एनजी खान, मैं मुझे एक ही आपके एक ही जो मूल्यवान है वो वोट दियो और मैं एक ही मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि आपके जो भी एक ही समस्याएं रहेंगी मैं उसको एक ही जायज़ मकासद को आपके मैं पूरा करूँगा। साथियों, दूसरा आप लोगों ने देखा कि महाविकास जो आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी की किन्हें उद्धव साहब नांदेड़ में आए और नांदेड़ में आके क्या बोले कि अधिकृत उम्मीदवार है कि नहीं हमारे कि नहीं संगीता पाटिल डक है और नाना पटोले कि नहीं सिर्फ 10 मिनट के लिए आए उत्तर में और 10 मिनट के लिए आके क्या करें मालूम क्या है, अब्दुल सत्तार हमारे अधिकृत उम्मीदवार है बोल रहे। तो आप पहले तय करो कि तुम्हारी महाविकास आघाड़ी एकजुट है या नहीं है, तो आने वाले दिनों में फिर बाद में से कि नहीं यही चलेगा, हाईकोर्ट में मैटर जाएगा, फिर नांदेड़ में कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, तो नांदेड़ की जनता आने वाले 5 सालों में और क्या हो जाएंगी, कन्फ्यूज़ हो जाएंगी कि हमारा विकास कौन करेंगे। तो ये अधिकृत लीगल और इलीगल में ना नांदेड़ की जनता ने नहीं पढ़ना चाहिए और जो अधिकृत उम्मीदवार है देश जनित पार्टी का ऑप्शन है उनके लिए कि कौन लीगल है, वो लीगल को डायरेक्ट है कि नहीं आपके एक नहीं मता है कि नहीं दे के एक नहीं भारी मतों से देश जनित पार्टी के उम्मीदवार को जीता। साथियों, दूसरा आपने देखा कि नांदेड़ में महायुति की भी रैली हुई जिसमें अपने कि नहीं देश के पंत प्रधान मोदी जी आए और अपने नांदेड़ के कि नहीं सीएम साहब आए, तो इनके क्या मुद्दे रहे, खाली है ना उन्होंने एक ही बात बोले कि 370 और है ना पाकिस्तान। तो अपने को नांदेड़ वालों को ना 370 से फ़ायदा है ना पाकिस्तान से कोई फ़ायदा है, लोगों के विकास कैसा होगा नांदेड़ पर इसके बारे में किसी ने भी चर्चा नहीं करा। ये महाविकास आघाड़ी और महायुति एक दूसरे के ऊपर, पहले महाविकास आघाड़ी क्या कर रही कि पूरे कि नहीं इनू गद्दार है उनू गद्दार है ऐसा बोल रहे, फिर महायुति क्या कर रही मालूम क्या, जो मुद्दे लोगों के काम के नहीं है वो मुद्दे बोल के लोगों को सिर्फ है कि नहीं भावनाएं आहत करके कि नहीं इलेक्शन लड़ना चाह रही। तो ये दोनों भी जो है ये आज की डेट में जो महाराष्ट्र की जनता है इन दोनों से भी उकताए वाली है और हर बार की तरह इस बार है कि नहीं नए चेहरे को कि नहीं नांदेड़ की जनता है कि नहीं मौका देना चाह रही। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप मुझे देश जनित पार्टी को एक नहीं ये करो। और मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि किसने क्या विकास करे वाला है, कि आप लोगों ने देखे कि खुदबे नगर को महायुति के जो उम्मीदवार है अब्दुल सत्तार साहब
तो अब्दुल सत्तार साहब ने एक इन्हें पिछले इलेक्शन हुए डीपी सावंत के, तो डीपी सावंत के इलेक्शन में बोली कि मैं खुतबे नगर को सिंगापुर बनाता हूँ, बरोबर। फिर उसके बाद एक इन्हें क्या करें मालूम क्या, ये संगीता पाटिल डग जो है महायुति के, इन्होंने इनके नगर सेवक का कार्यकाल है, महिला बाल विकास में इन्होंने सभापति रह वाले कि आज इन्होंने, मेरा इन दोनों से भी एक सवाल है कि इन्हों नगर सेवक रहते हुए इनके वार्ड को क्या करें। दोनों भी बोले कि हम वार्ड को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नगर सेवक रहते हुए इन्होंने कुछ नहीं कर सके तो इन्हों आमदार बनने के बाद भी कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ एक पोस्ट से बड़ी पोस्ट में जाने के लिए इन्हों है ना कोशिश में लगे वाले। पिछले 40 साल से इन दोनों से भी कोई कार्रवाई, जनता की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि सर अभी जो नांदेड़ के इलेक्शन होने वाले, सबसे पहले आप अगर पूरी जनता देखेंगी तो आप लोग जो है जो भी हर समाज, तो उनके जो बच्चे हैं उन्होंने आईटी इंजीनियर बने वाले हैं, सिविल इंजीनियर, ये वो अलग अलग इंजीनियर बने, मगर नांदेड़ में पिछले 50 साल से एक भी आईटी हब है ना नांदेड़ में नहीं हुआ। तो इस माध्यम से मैं जब जिस दिन है कि नहीं मैं चुन के आऊँगा तो सबसे पहले मेरे इंजीनियर जो नौजवान तबका आज बेकार घूम रहा, सिर्फ गुंटेवारी के फाइलें लेके इंजीनियर बच्चे घूम रहे, हर समाज का बच्चा इंजीनियर बनने का नांदेड़ में कोई रोज़गार नहीं है और उनको पुणे में अपने माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ रहा। सबसे पहले मैं आने वाले दिनों में आईटी हब नांदेड़ में लेके आऊँगा। और आज तक आप लोगों ने देखे कि मुस्लिम जो एरिया है, मुस्लिम एरियों के अंदर है ना एक ही स्कूल है, कौन सा, मदीनातुलूम गवर्नमेंट का, और वो आज से 50-60 साल पहले जो बिल्डिंग बने वाली वही बिल्डिंग है कि नहीं, खस्ता हालत में चल रहा और वहाँ पे भी विवादित चल रहे पूरे, कोई बिल्डिंग का डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है। एक ऐसी स्कूल बनाऊंगा 10वीं 12वीं की, जैसे जिस तरह से शाइन एकेडमी काम कर रही बेंगलुरु में, उस तरीके की एक नहीं एक बिल्डिंग मैं पहले शुरू है कि नहीं, हर समाज के लिए खासतौर पर मुस्लिम समाज के लिए एक नहीं मैं वो है कि नहीं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और 10वीं 12वीं तक के लिए ना फ्री एजुकेशन है ना पूरे मुस्लिम समाज के बच्चों को दूंगा। दूसरी बात, आज आप लोग देख रहे कि हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में ना हर जगह एक नहीं अलग अलग चर्चा है कि भाई उनके बारे में उनका व्यक्तित्व क्या था ये किसी को भी नहीं मालूम, और आज तक पिछले एक नहीं 50 साल की जो राजनीति हुई नांदेड़ में तो हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में नारे तो बहुत लगाते और टीपू सुल्तान के बारे में एक नहीं वोटिंग भी ले लेते, मगर और कोई तो नेता ऐसे है कि उनका नाम भी लेना महसूस नहीं करते। तो मैं आज ये माध्यम से बता रहा हूँ कि उनकी जो शहादत है भारत के अपने एक नहीं सरजमीन के लिए, हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए कारगर है कि नहीं है, और उनकी एक नहीं भूमिका जैसा कि उन्होंने मिसाइल बनाए, तो आज APJ अब्दुल कलाम साहब ने और इंग्लैंड ने भी उनके मिसाइल से ही मिसाइल को तैयार करने वाला, तो ये जो बातें हैं उनके नांदेड़ में एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाएंगी कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूरी पूरी मालूमात उसमें दी जाएंगी। तीसरा काम साथियों, मैं नांदेड़ के लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि घरकुल का घर पार्शियलिटी से दिया जाता कि कांग्रेस के नगर सेवक है तो उनको एक ही नहीं घरकुल का घर मिलेगा, शिवसेना के नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलूंगा। साथियों, कोई किसी भी पक्षकार हो, आने वाले दिनों में हर गरीब को घर पे जाकर मैं है ना उसको घरकुल का घर बना के दूंगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ नांदेड़ की जनता से कि आप ज़रूर एक नया चेहरा, जिस तरीके से आज से ही कि नहीं 1978 में नूरुल्लाह खान साहब को नांदेड़ की जनता ने मौका दिया था और उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किए थे जनता पार्टी से कि वो आज तक है ना हर समाज, हिंदू मुस्लिम मराठा सिख ईसाई हर कोई उनके काम को ना याद करता, तो वो भी एडवोकेट थे, मैं भी एडवोकेट हूँ। आज है कि नहीं उनको कांग्रेस के है बोल के चुन के नहीं देते, अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के रहते तो शायद गिर जाते थे, उनको जनता पार्टी के है बोल के उनको दिए थे। और ये जो कांग्रेस पार्टी है अपना सेकुलर का जो चेहरा है वक्त के हिसाब से ना बदलते रहती, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा तो सौम्य भूमिका में रहती और एक ही नहीं उनको खुद वोट मांगने का रहता तो हम सेकुलर का नारा लगाते। तो ये जो भी हमारी लड़ाई महाविकास आघाड़ी और महायुति की, इनकी जो दिशा भूल राजनीति है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे, इसके खिलाफ में हमारी है कि दोनों भी ये लोग एक ही नहीं कैसा है मालूम क्या, एक दूसरे पर आरोप एलिगेशन में 5 साल निकाल रहे। क्या मुद्दे लेके चुनाव में लड़ रहे? हम चुनाव में लड़ रहे कि भाई हर इंसान को मिलेगा न्याय, जो भी जनता है नांदेड़ की हर समाज के एक नहीं आदमी को है ना यहाँ पे न्याय दिया जाएगा। और बोलिए, ये जो आपकी जो पार्टी है नांदेड़ समय, जैसा कि आप उम्मीदवार जनता पार्टी, तो महाराष्ट्र में आप कितने सीटें लड़ा रहे हैं? पूरे महाराष्ट्र में है ना 15 से 20 हमारे सीट है कि नहीं लड़ा रहे हम, और ऐसी जगहों पे लड़ा रहे कि जहाँ पे गरीब मुस्लिम दलित मराठा जो आज है कि नहीं आरक्षण के लिए लड़ रहा है जगह जगह पे, तो हम ऐसे जगहों पे है ना हमारे देश जनित पार्टी के माध्यम से 15 से 16 सीट हम लड़ा रहे, और हमारे को विश्वास है कि हमारे सीट है ना चुन गएंगी। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि मैं एडवोकेट एनजी खान आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ हर समाज को कि मुझे एक इन्हें भारी मतों से चुनाव में चुनाव जिताएं और आपके मूल्यवान वोट सिर्फ नए चेहरे को दें।